Assalamu uh, alaikum, I welcome my students of education of class 11th in this session. Hi, I am Rubina, senior lecturer education uh, working in SCERT. Uh, today, my topic will be the first unit of your syllabus of 11th class of education that is meaning and concept of education. वेल well, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी तक जब आप स्कूल जाते थे अप टू टेंथ वैन यू हैव बीन प्रमोट टू ट्वेल्थ बिफोर दैट आप जब स्कूल जाते थे कोई भी आपसे ये पूछता कि आप स्कूल क्या करने जाते हो तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी कि मैं वहाँ एजुकेशन हासिल करने के लिए जाता था तो वो एजुकेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो आप उस वक्त जिसको हम कहते हैं तालीम हासिल करने जाता था तो वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है लेकिन इस वक्त जब हम एजुकेशन को एज अ डिसिप्लिन और एज अ सब्जेक्ट उसकी बात करें तो ये अपने आप को लिमिट करता है लाइक आई कैन आस्क यू द डेफिशन ऑफ हिस्ट्री यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द डेफिशन ऑफ बॉटनी और जोलॉजी द सेम वे Now you have to define what is education as a subject, as a discipline. Okay. Now what is education as a subject? Education is modification of behavior. So the definition: education is modification of behavior. Now the thing is, what is modification? Modification means alteration, change. देखिए जब हम सपोज आप दर्जी के पास जाते हैं और आपने वहाँ पर एक शर्ट बनाई है एंड यू फील कि ये शर्ट जो है ये थोड़ी बहुत लंबी है तो आप वापस जाते हो दर्जी के पास और उसको बोलते हो नहीं इसको थोड़ी सी काट दीजिए और ये थोड़ी छोटी कर दीजिए ठीक मीन्स कि आप दर्जी के पास गए थे फॉर आल्ट्रेशन फॉर चेंज फॉर मॉडिफ़िकेशन सो एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन दैट इज़ द चेंज द आल्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर Now, the question is behavior. What is behavior? Behavior means the way in which one acts or conducts oneself, especially towards others. अब कैसे react करते हो अब कैसे खुद को present करते हो अब कैसे behave करते हो दूसरों के साथ This is behavior. और एक particular situation में आप कैसे behave करते हो या एक पर्टिकुलर स्ट्यूमलस को आप कैसे रेस्पॉन्स देते हो सिचुएशन कैन वैरी एंड योर बिहेव कैन ऑल्सो वैरी लाइक वट वी कॉल दिस आई विल एक्सप्लेन यू द स्टूमलस व्हाट इज टूमल सपोज इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूं और अचानक समबड़ी नॉक्स एट द डोर या क्लासरूम में हम बैठे हैं और कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो हम सब जाके मुड़ते हैं दरवाजे की तरफ तो वो जो खटखटाना था वो जो उसकी आवाज थी दैट इज स्ट्यूमलेस और वो जो हमने उसकी तरफ देखा कि ये कौन आया तो दैट इज ओवर रेस्पॉन्स या हम अपने कमरे में बैठे हैं और अचानक खुदा ना खासा जलजला होता है तो हम एकदम से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो जो जलजिला था वो जो मकान का हिलना था दैट इज स्ट्यूमलेस और वो जो हम हमने हमने क्या किया हम उठे और हम बाहर चले गए दैट इज ओवर रेस्पॉन्स ठीक अलग अलग सिचुएशंस को हम अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं या कभी कभी हम एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से या एक ही तरीके से रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं सपोज आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपने अपनी किताबें फैलाई हुई है एंड योर मॉम कम्स टू योर रूम और उसने आपको कहा देखो भाई आपने कितना मेस किया हुआ है कमरे को ठीक तो आप उसको बोलते हो क्या मामा आप हमेशा मुझे ऐसे बोलते रहते हो ठीक देन आफ्टर ए वाइल यू फील कि नो no, स इज नॉट गुड आई शुड नॉट हैव बिहेव द वे आई बिहेवड जैसे मैंने अपनी मां को वापस रेस्पॉन्स दिया मुझे वैसे उससे बात नहीं करनी चाहिए यू फील सॉरी और अपनी मामा के पास गए और आपने उसको बोला आई एम सॉरी आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा यानी कि यह जो बिहेव था जो मैंने अपनी मामा से तेज कलामी की जो मैंने बिहेव किया आई वॉन्ट टू मॉडिफाई इट सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या कभी कभी आपको नहीं लगता है कि आप गलत हो लेकिन आपके बड़ा भाई या आपकी बड़ी बहन ने कहा नहीं आपने जैसे मामा के साथ रिएक्ट किया वो ठीक नहीं था आपको खुद नहीं लगा लेकिन समबडी टोल्ड यू कि नहीं आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था एंड देन यू अगेन फील सॉरी और आपने कहा नो येस yes. ये जो मुझे एकदम से गुस्सा आता है आई शुड चेंज दिस सो ये आपका एक बिहेवियर था अब आपने उस एजुकेशन के थ्रू यो जो आपको अपने सिस्टर ने आपको एजुकेट किया इन्फॉर्म किया या आपने खुद फील किया एंड यू वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन दिस सो दिस इज एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और यू कैन से स्टूमलस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इट इज ए इवेंट और ऑब्जेक्ट दैट लीस्ट ए बिहेवियल रेस्पॉन्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म हम कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है एक स्टूमलस को स्टूमलस मीन्स वो जिसकी वजह से आप में एक बिहेवियर डेवलप होता है जिसकी वजह से आपको एक रिस्पॉन्स देना पड़ा

ये तमाम चीजें जो है ये आपके बिहेवियर को चेंज करेगा लेट मी गिव द एग्जाम्पल फॉर दिस स्किल्स सपोज मैं गाड़ी सीख रही हूं गाड़ी चलाना सीख रही हूं और मेरे साथ मेरा एक ड्राइवर है जो बैठता है जो नजर रख रहा हुआ है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो ही विल हेल्प मी तो पहले पहले मैं बहुत ही डर से वो गाड़ी चला रही हूं डर डर के आहिस्ता से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं एक्सपीरियंस गेन कर रही हूं देन वट विल हैपन अब मुझे इस ड्राइवर की जरूरत नहीं है आई कैन डू इट माई सेल्फ यानी कि अब मैं स्किल्ड हो गई हूं अब उसकी वजह से मुझे मुझमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और मेरा बिहेवियर चेंज हुआ मेरा बिहेवियर चेंज हुआ वो जो मैं डर डर के गाड़ी चला रही थी अब वैसा नहीं है अब मैं पूरी कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला रही हूँ तो इसने मेरे बिहेवियर को इस स्किल ने मेरे बिहेवियर को चेंज किया सो so, अब जब आप कहते हो कि मैं एजुकेशन पढ़ रहा हूँ एज अ सब्जेक्ट तो यहां पर मैं आपको सेल नहीं पढ़ाऊंगी यहां पर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में नहीं बोलूंगी मैं आपको जोलॉजी के बारे में बॉटनी के बारे में मैथ्स के बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि एजुकेशन ने अपने आप को ये एक अलग सा फील्ड है जिसमें एक अपना प्रिस्क्राइब सिलेबस है ठीक उसी सिलेबस का मैंने कहा कि हम आज इसका मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हो अभी तक आई uh, होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि एजुकेशन इन जनरल है क्या नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट इन ओर यून दिस यूनिट इज इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन अब ये इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इटमोलॉजी होता क्या है इटमोलॉजी इज अ साइंस जिसमें आप क्या करोगे आप ऑरिजिन ऑफ द वर्ड पढ़ रहे हो कि कोई वर्ड आया कहाँ से है इसका रूट वर्ड क्या है इसी तरह से एजुकेशन का रूट वर्ड क्या है यह वर्ड एजुकेशन आया कहाँ से वेल well, एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है लाथूनी वर्ड से आया है इट इज एडुकेयर एडुकेयर और एडुसियर और एडुकेटम तो कुछ कहते हैं भैया एडुकेयर से आया है कुछ कहते हैं ये एडुसियर से आया है और कुछ कहते हैं ये एडुकेटम से आया है फर्स्ट लेटेस्ट सी दिस एडुकेयर वॉट इज एडुकेर एडुकेर कियर से आपको पता चलता है इट इज नरिश टू नरिश समथिंग ब्रिंग अप जैसे हम पौधे को नरिश करते हैं जब हमने अप, अपना एक छोटा सा पौधा बोया है और आपको फील होता है कि हवा तेज़ आ रही है तो हो सकता है ये पौधा गिर जाए तो आप जाते हो और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या आप उसको यू यू डेली वाटर योर प्लांट ठीक लेकिन वन फाइन मॉर्निंग ये आपका जो प्लांट है अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि ये अपना की और खुद करे अब ये हवा से गिरेगा नहीं अब इसके रूट्स भी इतने मजबूत हो गए हैं कि ये अपना जो अपनी गज़ा है वो खुद अरेंज कर सकते हैं तो इसी तरह से हम यहां पर एजुकेयर एजुकेशन में इस एजुकेयर की वजह से हम क्या करते हैं हम नरिश करते हैं इस बच्चे को ताकि इसमें वो वैल्यूज वो मॉरल्स इसमें डेवलप हो और ये एक आ, हेल्दी ह्यूमन बींग बने हेल्दी मीन्स फिजिकली हेल्दी एज वेल एज मेंटली हेल्दी सेकेंड वर्ड एडुसियर वट इज एडुसियर इट मीन्स टू तो आउट अब यहां पर क्या है मीन्स ड्रा आउट कि मीन्स आप में कुछ है कुछ हिडन टैलेंट्स आप में है जो ऑलरेडी आपके अंदर है लेकिन अब उनको हमें आगे लाने की ज़रूरत है जैसे एक टीचर को फील होता है कि हाँ ये जो मेरा बच्चा है ही इज़ अ गुड स्पीकर प्रेयर पढ़ाते पढ़ाते या प्रेयर पे जब आप कोई स्पीच देते हो तो हमें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा स्पीकर है तो अब हम क्यों कोशिश क्या करेंगे कि इसको और मौका दिया जाए ताकि ये इसमें जो हिडन क्वालिटी है ये बाहर आ जाए या आपका बच्चा है आपको लगता है ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो हम अब इसको और मौका देंगे ताकि ये जो के अंदर की सलाहियत है ये उभर कर बाहर आ जाए दिस इज एजुसियर और एजुकेटम वट इज एजुकेटम एजुकेटम मीन्स टू ट्रेन किसी बंदे को ट्रेन करना और इट इज टीचिंग लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग वेन देयर इज टीचिंग देयर इज लर्निंग ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है सो इट्स आर्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सो एजुकेशन इज टू नरिश एजुकेशन इज टू ड्रा आउट एजुकेशन इज टू ट्रेन और इट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आप देखोगे वेबस्टर डिक्शनरी ने एजुकेशन को डिफाइन ही किया है एज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग और ट्रेनिंग किसी बंदे को एजुकेशन देना या किसी बंदे को ट्रेन करना सो दिस इज इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी कि इसका रूट वर्ड क्या है सो इट्स अ लेठन वर्ड एजुकेशन ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, व्हाट इज एजुकेशन एंड देन इटमोलॉजिकली इसका रूट वर्ड उसका क्या मतलब है अब इसका मतलब यह है कि जो एजुकेशन है यह एक असल में एक ब्रॉड टर्म है जब आपने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं एजुकेशन हासिल करने के लिए तो वहां तो आप साइंस भी पढ़ते हो वहां आप मैथ्स भी पढ़ते हो वहाँ आप आ, गेम्स भी आ, खेलते हैं फिजिकल आपकी फिटनेस के लिए या आपको मॉरल एजुकेशन दी जाती है प्रेयर पे आपको बड़े लीडर्स के बारे में बोला जाता है ठीक है तो ये सब कुछ हो रहा है विद इन अ स्कूल स्कूल को हम कहते ही है इट्स अ मिनिएचर सोसाइटी इसका एक अपना आ, एक फ्रेमवर्क होता है इसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ठीक जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से डले उसमें ये 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 क्वालिटीज हो जाए जब वो अपने स्कूल से निकलता है तो फिर वो एक कंप्लीट ह्यूमन बींग हो क्योंकि ह्यूमन बींग में बहुत सारी क्वालिटीज है जो उसमें होनी चाहिए आप इंटेलेक्चुअली साउंड होने चाहिए लेकिन फिर एट द सेम टाइम आप फिजिकली साउंड होने चाहिए आप में मॉरल्स होने चाहिए आपका कैरेक्टर होना चाहिए तो वो तमाम चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम एजुकेशन का सहारा लेते हैं सो नाउ हमारा जो क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन इट विल बी नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन फिर इसका मतलब है हमारे पास एजुकेशन है ये एक ब्रॉडर टर्म भी है जब आपने कहा मैं स्कूल जाता हूं एजुकेशन के लिए और ये एक नैरो टर्म भी है जब अब आपने ये कह रहे हो कि अलैंथ क्लास में मैं एजुकेशन की क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ ठीक सो so, हमारा जो एजुकेशन है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट में भी आता है और ये एक नैरो कंसेप्ट में भी आता है जब हम इसके नैरो कंसेप्ट की बात करें तो एजुकेशन क्या है उस वक्त एजुकेशन क्या है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक डेफिनेट प्लेस प्लेस डेफिनेट पर्सन और एक डेफिनेट टाइम में कवर हो जाए मतलब डेफिनेट प्लेस आप स्कूल जाते हो इसके लिए फिर आप कॉलेज जाते हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हो और फिर एक खास बंदा आपको पढ़ाता है आपको एक टीचर पढ़ाती है फिर आपको एक लेक्चरर पढ़ाता है और फिर आपको एक प्रोफेसर पढ़ाता है इट इज नॉट लाइक कोई भी बंदा बाहर से आए और आपको पढ़ाए बोले कि चलो मैं आपको एजुकेशन पढ़ाता हूं नो no. इसके लिए सेट रूल्स होते हैं कि जिस तरह से वो बंदा अपॉइंट करता है चाहे वो स्कूल में चाहे वो आपके हायर सेकेंडरी में या यूनिवर्सिटी लेवल पे, या कॉलेज में तो वो वहां अपॉइंट होता है एक खास बंदा है जो क्वालिफाई करके उधर आता है और इट इज नॉट लाइक कि आप कभी भी जाके एडमिशन ले सकते हो नहीं एक डेफिनेट टाइम होता है जब आप एडमिशन लोगे और आप इस पर्टिकुलर टाइम में अपना ये क्लास कंप्लीट करोगे लाइक आपने टेंथ क्लास पास किया और फिर आप प्रमोट होकर अलेवेंथ में आओ, आ गए अब आप एक साल के बाद इस अलेवेंथ में रहने के बाद यू विल मूव टू नैरो सेंस में एजुकेशन सिर्फ वो है जब आप एक स्कूल में जाते हो वहां आप एक बंदे से पढ़ते हो एक खास आ, मुद्दत के लिए पढ़ते हो और फिर एक सर्टिफिकेट भी आपको दी जाती है दिस इज द सर्टिफिकेट जी, इसने टेंथ क्लास पास किया को पता होगा जब आप एलेवंथ में आए एडमिशन के लिए तो आपसे मांगी गई सर्टिफिकेट मार्क्स सर्टिफिकेट दिखा दीजिए तो ये एक तमाम ये एक फॉर्मल एजेंसी है ये फॉर्मली आप यहां पर पढ़ते हो एक खास प्रिस्क्राइब टाइम के लिए और एक खास प्रिस्क्राइब सिलेबस आप पढ़ते हो इट्स नॉट कि आपको कुछ भी पढ़ाया जाए मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकती हूं वो जो सिलेबस में है मैं आपको वो पढ़ा रही हूं ठीक ये तो हुआ नैरो मीनिंग तो फिर ब्रॉडर मीनिंग में एजुकेशन क्या है ब्रॉडर मीनिंग में ये किसी प्लेस का मोहताज नहीं है ये किसी खास बंदे पे टीचर लेक्चरर और आपका प्रोफेसर उस पे ये डिपेंड नहीं करता है ये खास किसी टाइम पे, जैसे आप दस से तीन तक स्कूल जाते हो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा ब्रॉडर मीनिंग में एजुकेशन आप किसी भी जगह हासिल कर सकते हो आपके घर में आपकी सोसाइटी में एक दुकान पर आप बस में बैठे हुए हो आप कहीं भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं ये कौन सी एजुकेशन है जब मैं अपने बच्चे को खुद अपने जूते बांधना सिखाती हूँ जब मैं अपने बच्चे को पहले यूनिफॉर्म लगाती हूँ फिर वन फाइन मॉर्निंग वो कहता है नो मामा थैंक यू आई कैन डू इट माई सेल्फ और वो खुद अपनी चाय लगा लेता है दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन जब मेरा बच्चा पहले मुझसे मांगता है और खुद कहता है मैं अपनी चाय बना सकता हूँ अब मीन्स एजुकेशन या ये कभी भी किसी भी जगह आप सीख सकते हो किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो जैसे इस वक्त भी मुझे कोई कहेगा नहीं दिस इज द मेथड मैथड आप इस तरीके से ये फूड अगर पकाओगे ये ज़्यादा अच्छा बनेगा दिस इज एजुकेशन ये कोई भी बंदा आपको दे सकता है इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है योर मदर योर फ्रेंड्स आपके सोसाइटी में कोई इवन कोई इलिटरेट बंदा जो कभी स्कूल गया ही नहीं है वो भी आपको ब्रॉडर मीनिंग में एजुकेशन का कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा यहाँ पर टीचर कौन है पूरी लाइफ खुद एक टीचर है पूरी लाइफ में जब से इंसान पैदा होता है वहां से लेके जब तक वो मरेगा तब तक वो जो भी चीज सीख रहा है वो दैट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन हां यहां पर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है जैसे आपको नैरो जो आपने नैरो मीनिंग पढ़ा वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है यहां पर आपको क्या मिलता है यू गेन एक्सपीरियंस यू गेन एक्सपीरियंस एंड यू गेन मैच्योरिटी आप में मैच्योरिटी आ जाती है आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं अगर आपको याद होगा जब आप छोटे होते हो तो हम अपने बच्चों के लिए कपड़े तक खुद ही ले आते हैं फिर एक टाइम आता है कि वो ये चीज़ें खुद ही कर सकते हैं मीन्स कि अब उनमें मैच्योरिटी आ गई और अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं अब जो ये मेरा बच्चा है ये इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले सकता है मगर तब ले सकता है जब उसको मैंने उस काबिल बनाया होगा जब उसने चाहे स्कूल में सीखा होगा या चाहे उसने इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ सीखा होगा जब मुझे लगेगा यस, या कभी कभी इंसान किससे सीखता है अपनी गलती से भी सीख लेता है वो भी एक बहुत बड़ा टीचर है जब आपने कोई चीज़ की और आप फेल हो गए तो वो जो फेलियर है उसने भी आपको कोई कुछ ना कुछ सिखाया या जब आप अंधों की तरह आपने किसी पे भरोसा किया ठीक तो फिर आपको लगा कि नहीं ही हैज़ चीटेड मी माय फ्रेंड हैज़ चीटेड मी तो आपने ये सीखा कि हम किसी पर भी ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते हैं तो मींस लाइफ खुद वो जो मुश्किलें आपको आती है आप उससे भी कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं तो चाहे आप कामयाबी से सीखो चाहे आप अपने उस डाउनफॉल से सीखो तो इन शॉर्ट ये जो ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है ये बहुत बड़ी चीज़ है इसमें आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए इसमें आपने मेचोरिटी गेन की और आप एक स्ट्रॉन्ग बंदे बन गए जैसे मैंने कहा मैंने उस छोटे प्लांट को पहले नरिश किया अब वो आज एक बहुत बड़ा ट्री बन गया है अब वो फ्रूट्स दे रहा है पहले मैंने उसको दिया क्या मैंने आई की अफोर्ड अब उसकी बारी थी इसी तरह से पहले सोसाइटी आपको हेल्प करेगी वेदर इट इज योर फैमिली मेम्बर्स वेदर इट इज योर टीचर्स या सोसाइटी में कोई भी या आपके फ्रेंड्स पहले आपको वो हेल्प करते हैं अब आप इतने स्ट्रांग बन गए हो अब हमें विश्वास है कि जो मेरा बच्चा है अब ये इतना स्ट्रांग बन गया है कि ये ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ पहले मैं आपको हाथ पहले आपकी माँ आपको हाथ पकड़ कर आपको स्कूल तक छोड़ते थे लेकिन फिर अब हमें पता चल गया कि हाँ ही कैन डू द थिंग हिमसेल्फ तो अब उसी छोटे बच्चे को हमने नरिश करके इस एजुकेशन ने इतना स्ट्रांग बना दिया कि अब ये एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन अपनी सोसाइटी का बन गया अब इसको यह लगता है कि सोसाइटी ने तो मुझे काफी कुछ दिया अब दिस इज नाउ माय टर्न अब मुझे अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना है सो so, सेंस में स्कूल जाना वहां एग्जाम uh, पास करना और वहां से एक सर्टिफिकेट हासिल करना या यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट हासिल करना यस आई हैव डन माय पीजी तो यह नैरो सेंस में एजुकेशन है आपने फिर एजुकेशन हासिल की हुई है और ब्रॉडर सेंस में नो नीड टू गो टू स्कूल इस एजुकेशन के लिए आप पूरी जिंदगी पड़ी हुई है आप जो जो चीज़ें सीखते हो चाहे आपको जिंदगी सिखाती है चाहे आपको नेचर सिखाता है तो ये ब्रॉडर uh, सेंस में आप एजुकेशन ही हासिल करते हो ठीक सो हियर जो हमने टच किया आज वो क्या था वो था सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है क्योंकि आप अभी तक यू हैव नेवर बीन एक्सपोज टू द वर्ड एजुकेशन एज अब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन क्योंकि टेंथ तक आपने ये नहीं पढ़ा होता है बाकी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको uh, इलम होता है लेकिन ये एजुकेशन सिंस इट इज अव थिंग फॉर यू सो यह भी हम uh, मान के चल रही हूं कि आपने एटलीस्ट पहले एक दो यूनिट्स तो स्कूल में कवर किए होंगे मगर वी विल नॉट स्किप दम क्योंकि हम दिस इज अविक रिकैप फॉर यू कि जो आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लेकिन ये एक रिकेप है ताकि हम इसको और जो आगे सिलेबस है उसको आप लिंक कर पाओ सो so, आपने पहले ये देखा कि यह एजुकेशन है क्या फिर आपने ये देखा कि इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर फिर आपने देखा कि बिहेवियर क्या है और किस तरह से आप अपने बिहेवियर को विथ टाइम चेंज करते हो और आपको ये लगता है कि यस आई नीड टू मॉडिफाई माई बिहेवियर कभी कभी आपको ये मॉडिफिकेशन लगता है कि आपको खुद ही लगता है यस आई शुड मॉडिफाई इट जब मैंने आपको कहा कि वो शर्ट लंबी है कभी आपको लगा नहीं इट्स ओके लेकिन जब आपके फ्रेंड आए उसने कहा नहीं तो थोड़ी लंबी है आपकी मामा आई नहीं तो थोड़ी लंबी है आपके फ्रेंड्स ने बोला आपकी सिस्टर ने बोला एंड देन यू फील यस थोड़ी लंबी है आई शुड इट सो कभी कभी आपका बिहेवियर आपको खुद ही पता चलता है कि ये गलत है मुझे इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है और कभी कभी कोई एक्सटर्नल एजेंसी आपके आपको ये फील करा देती है कि नो दिस इज नॉट गुड आपको यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर सो एजुकेशन इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर फिर मैंने कहा ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आपको कैसे हो जाएगी जब आप कुछ नॉलेज हासिल करें जब आप स्किल्स हासिल करो जब आप में कुछ हम आप में ट्रांसमिट करें कुछ बिलीफ्स कुछ हैबिट्स ये तमाम चीजें जो है ये आपको हेल्प करेगी वेन यू हैव नॉलेज नॉलेज इट्स सेल्फ इज अ पार नॉलेज के बारे में बोला जाता है जो सबसे बड़ा हथियार आपके पास हो सकता है इट इज़ नॉलेज ये आपको बचाएगा ऑपरेशन से डिप्रेशन से यू कैन फाइट क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा टूल रहता है जो लोग देख तो नहीं सकते हैं लेकिन इट इज़ विथ यू इट इज़ ऑलवेज विथ यू और ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है ये एक बिल्कुल एक जेवर की तरह है जो आपको हमेशा सजा कर रखता है और इसको गुम होने का चोरी होने का कोई खतरा भी नहीं होता है सो so, ये एजुकेशन जो है यही आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है ठीक मतलब जब आप बात करोगे आपके बातों से लगता है कि हाँ ही इज एजुकेटेड आपको पता चलता है उसके बिहेवियर से नहीं ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है पढ़ा लिखा बच्चा है यह उसके हमें बिहेवियर से पता चलता है उसके ड्रेस से नहीं पता चलता है उसने क्या पहना हुआ है वो किस गाड़ी में आया इससे नहीं पता चलता है यह पता चलता है आप कैसे बिहेव करते हो आप कैसे रिएक्ट करते हो सो so, एजुकेशन क्या है कि आप यह आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से रेस्पॉन्स देना है पहले आप कैसे रेस्पोंड करते थे एक सिचुएशन को एक स्टूबलस को अब आप कैसे रेस्पोंड करते हो सो so, जब आपने एजुकेशन हासिल की तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं हम यह मान के चलते हैं कि अब जो आपका बिहेवियर होगा जो अब आपका रेस्पॉन्स होगा यह बहुत ही अच्छा होगा सेम स्टूमलेस में अब आप अलग तरीके से रेस्पॉन्स देने लगे अब आपने चिल्ला के अपनी मां से बात नहीं की अब आपने उससे प्यार से कहा ओके okay, मामा मेरी जूम मीटिंग हो रही है मेरी क्लास हो रही है आफ्टर फिनिशिंग दिट मैं अपना कमरा फिर से साफ करके रखूंगा दिस इज एजुकेशन फिर आपने पढ़ा ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन क्या है और आपने पढ़ा नैरो सेंस में एजुकेशन क्या है नैरो सेंस में एजुकेशन वही है जो आप स्कूल जाते हो एडमिशन लिया आपने वंस यू गो टू योर स्कूल नर्सरी क्लास में आपने एडमिशन लिया फिर आप टेंथ में वहाँ से निकले या फिर आपने अलेवेंथ पढ़ा ट्वेल्थ पढ़ा और एक सर्टिफिकेट लेकर निकले तो आप लोगों को कह रहे हो हाँ जी तो यू नीड टू प्रू दिस कि मैंने अपना अलेवेंथ या मैंने अपना टेंथ पास किया हुआ है तो फॉर दैट प्रूफ आपके पास एक सर्टिफिकेट रहता है तो नैरो सेंस में वही एजुकेशन है जहाँ आपको आपने एक फिक्स uh, टाइम के लिए आप गए आपने फिक्सड सिलेबस पढ़ा और आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया और फिर आपको सर्टिफिकेट मिली वो एजुकेशन है वो चाहे आप स्कूल में करो चाहे आप कॉलेज में करो चाहे आप यूनिवर्सिटी में हासिल करो और फिर ब्रॉडर मीनिंग में मैंने कहा एजुकेशन सब कुछ है जो भी आप सीखते हो अपनी लाइफ में जो भी आपने अपने डाउनफॉल से सीखा या जो भी आपने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस जो आपने गेन किए तो वो आपने जो सीखे या आप एक बाप से आप एक बेटा सीखता है सपोज आपका फादर ही इज़ अ बिजनेस और वो अपने बच्चे को सिखाता है कि इट इज़ लाइक दिस आपको इस तरह से सीखना है या ऐसे आपको ये चीज़ सीख या ऐसे ये कपड़ा काट के आपको देना है या ऐसे आपको ये चीज़ आपको इस स्केल पर रखकर देखना है तो वो भी डेज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन तो ये जो ये एजुकेशन ये किसी की ये किसी पे डिपेंड नहीं है इसमें कोई भी आपको कोई भी चीज़ सिखा सकता है एक रस चलता एक मजदूर भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है तो नैरो सेंस में एजुकेशन है स्कूल में जो आपने हासिल किया व्हेन यू विल बी आस्क व्हाट इज एजुकेशन ब्रॉडर सेंस तो वो सब कुछ है जो आपने बचपन से लेके सीखा और जब हम बूढ़े हो जाएंगे जब मर जाएंगे वहां तक जो भी कुछ हमने सीख, हम सीखेंगे दैट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन सो आई होप यू मे हैव गॉट वॉट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड वॉट इज द इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन सो एजुकेयर एडुसियर और एजुकेटम ये एक लेटिन वर्ड है टू नरिश टू ड्रा आउट टू ट्रेन और इट इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि पेडागोजी, इट्स अ पेडागोजी ऑफ इट्स साइंस ऑफ जब आप कहते हो एजुकेशन मैं एजुकेशन पढ़ रहा एज अ सब्जेक्ट साइंस ऑफ पेडागोजी। सो दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच